तो भाइयों आज हमारे पास अवेलेबल हो गया है किया कारेंस का प्रेस्टीज मॉडल, जो कि किया कारेंस का सेकंड बेस मॉडल रहने वाला है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार के प्राइस के बारे में, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंड सभी फीचर्स एंड ऑल डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। सबसे पहले कार की प्राइस बता दूं तो 10.45 लाख रुपीज एक्स शोरूम प्राइस पर ये अवेलेबल हो जाएगी इसका बेस मॉडल। एंड टॉप मॉडल जाता है 18.90 लाख रुपीज एक्स शोरूम प्राइस। एंड इस पर्टिकुलर मॉडल के प्राइस है 11.65 लाख रुपीज। एंड ये कार काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट रहने वाली है। तो बात करूं कार के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो कार के अंदर हमें मिलते हैं 3 टाइप के इंजन ऑप्शंस। पहला है नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, एंड दूसरा है टर्बो पेट्रोल इंजन, एंड तीसरा है डीजल इंजन। 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के अंदर हमें मिलता है 113 bhp की पावर एंड 144 Nm ऑफ टॉर्क। एंड ये कार हमें 6-speed गियरबॉक्स मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल मिल जाती है। कार डायमेंशन में भी काफी बड़ी है, 4540 mm की इसकी लंबाई रहने वाली है। एंड 780 mm का कार के अंदर हमें व्हील बेस मिल जाता है, जिसकी वजह से अंदर अच्छा खासा स्पेस बन जाता है। बाकी का इसमें बात कर लेता हूँ कार की सेफ्टी के बारे में, तो कार के अंदर हमें 6 एयरबैग मिल जाते हैं, बट ग्लोबल एनकैप में इस कार को 3-star रेटिंग मिली है, जो कि अर्टिगा से तो बेटर ही है। एंड काफी सारे एडवांस फीचर भी मिल जाते हैं, जैसे कि ABS-CVT, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी प्रोग्राम एंड ब्रेक असिस्ट, जैसे काफी सारे अमेजिंग फीचर मिल जाते हैं। बाकी का इसमें मेनली बात कर लेता हूँ कार की ओवरऑल लुक्स के बारे में, एक्सटीरियर लुक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेता हूँ कार के फ्रंट लुक के बारे में, तो फ्रंट की साइड में सबसे पहले हेलोजन में हेडलैम्प मिल जाते हैं। एंड ऊपर की साइड ये जो DRL वाली शेप देख रहे हैं, ये फंक्शनिंग में नहीं है कम्प्लीटली, ये बस शोपीज ही है। एंड इधर की साइड आपको हेलोजन में हेडलैम्प मिल जाते हैं कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ, एंड हेलोजन में ही आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। एंड इस मॉडल से ही आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, 4 पार्किंग सेंसर्स आपको फ्रंट में मिल जाते हैं। बाकी फ्रंट ग्रिल देख लीजिएगा आप, पियानो ब्लैक की फिनिशिंग के साथ दी गई है। एंड ये क्रोम टाइप एसेंट का भी यहाँ पर यूज़ किया गया है, थोड़ा सा सिल्वर सटन फिनिशिंग के साथ। नीचे की साइड आपको रेडिएटर ग्रिल मिल जाती है, जो कि काफ़ी सही है, बड़े बड़े एयर डैम्स दिए गए हैं। एंड स्किड प्लेट काइंड ऑफ आपको नॉर्मली मिलती है। तो ओवरऑल कार के फ्रंट लुक कुछ टाइप के ही रहने वाले हैं। अभी मेनली बात कर लेता हूँ कार के साइड लुक के बारे में, तो साइड की तरफ से तो कार काफ़ी बड़ी है। एंड बात कर लेता हूँ अभी कार के टायर के बारे में, तो यहाँ पर आपको स्टील रिम मिलते हैं, R15 inches के स्टील रिम मिल जाते हैं विद व्हील कैप, आप उसको इसके साथ ही मिलेगा। एंड ये मैट ब्लैक कलर की प्लास्टिक क्लैडिंग्स मिल जाती हैं, प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ किया गया है। फेंडर पर इंडिकेटर नहीं है, यहाँ पर आपको ORVM पर इंडिकेटर मिल जाते हैं विद बॉडी कलर्ड ORVM। एंड डोर हैंडल्स भी हमें जो है बॉडी कलर्ड में ही देखने को मिलते हैं, नॉर्मल वाले, कोई रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पर नहीं है। बाकी ओवरऑल साइड से खड़ी हुई कार कुछ टाइप की लगेगी। एंड व्हील बेस काफ़ी अच्छा है, इसकी वजह से अच्छा खासा स्पेस भी मिल जाता है। एंड यहाँ पर AB पिलर हमें ब्लैक्ड आउट देखने को मिल जाता है मैट ब्लैक की फिनिशिंग के साथ, एंड ये भी आपको ब्लैक्ड आउट काइंड ऑफ मिलता है। बाकी कार काफी ज्यादा दिखने में स्टाइलिश कार है, एंड एक्सटीरियर के मामले में कार काफी ज्यादा बड़ी है, तो मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज पर ये काफी अच्छी कार है। एंड ऊपर की साइड ये रूफ रेल्स मिल जाते हैं, जो कि सिल्वर कलर की फिनिशिंग के साथ दिए गए हैं। एंड ये कार की हाइट को थोड़ा और ज्यादा बढ़ावा देते हैं, जो कि अच्छी बात है, इस मॉडल से ही आपको रूफ रेल्स मिल जाते हैं। अभी मेनली बात कर लेता हूँ ऊपर की साइड, ये आपको शार्फिन एंटीना मिल जाता है, स्पॉइलर मिल जाता है विद हाई माउंटेड स्टॉप लैंप। एंड ओवरऑल बैक लुक के बारे में बात करेंगे, तो बैक प्रोफाइल भी कार की काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। पीछे की साइड आपको ब्रेकिंग लाइट जो है कम्प्लीटली हेलोजन में ही देखने को मिलेगी, इंडिकेटर्स भी जो है हेलोजन में ही देखने को मिलेंगे। कनेक्टेड टेल लैंप काइंड ऑफ है, जो कि फंक्शनिंग में नहीं है, वाइपर वॉशर एंड डिफॉगर नहीं है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप दिया गया है बस। एंड नीचे की साइड ये फिनिशिंग का यूज़ किया गया है, ये क्रोम काइंड ऑफ सिल्वर सटन फिनिशिंग के साथ। 4 पार्किंग सेंसर्स हैं, रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, जो कि फंक्शनिंग में नहीं है इसके अंदर। बाकी गाइस अभी मेनली बात कर लेता हूँ कार के इंटीरियर के बारे में, तो इंटीरियर में आते ही पहले इसका डोर देख लीजिएगा, व्हाइट एंड ब्लैक की फिनिशिंग के साथ दिया गया है। एंड कम्प्लीटली बॉटल होल्डर वगैरह सब कुछ दिए गए हैं, 2 बॉटल होल्डर है, अम्ब्रेला होल्डर है। बाकी यहाँ पर आपको ऑल 4 पावर विंडो, लॉक अनलॉक एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिल जाते हैं। एंड इन सभी के कंट्रोल्स आपको यहीं पर ही देखने को मिल जाते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। एंड स्पीकर की प्लेसिंग वगैरह दी गई है, हाइट एडजस्टेबल में आपको सीट्स मिल जाती हैं, एंड फैब्रिक अपोस्ट्रोफी के साथ ही देखने को मिलेंगी, इसको आपको मैनुअली एडजस्ट करना होगा। तो इंटीरियर में आते ही सबसे पहले इसके स्टीयरिंग व्हील देख लीजिएगा, स्टीयरिंग व्हील आपको काइंड ऑफ आपको सभी किया नॉर्मल किया कारो जैसा ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सभी टाइप के कंट्रोल्स के बटन मिल जाते हैं, इन्फोटेनमेंट स्क्रीन को यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी भी जो पीछे किया का लोगो एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करने के बटन यहीं से हैं, आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं बीच वाली MID को।
तो यहाँ पर आपको सभी टाइप की इन्फॉर्मेशन शो कर देगा। कंप्लीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। टैकोमीटर एंड स्पीडोमीटर, आपको सभी टाइप की इन्फॉर्मेशन सभी कुछ डिजिटल में ही देखने को मिलता है। बाकी इधर की साइड देखेंगे तो आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन मिल जाते हैं, हेडलैम्प लेवलर के बटन आपको यहीं पर ही मिल जाते हैं। बाकी चाबी की बात करूँ तो कुछ टाइप की चाबी मिलती है, लॉक अनलॉक एंड बूट एक्सेस का बटन मिल जाता है। फ्लिप की के ऑप्शन के साथ ही देखने को मिल जाती है, फ्लिप की को एंड की के थ्रू ये ओपन करनी होगी। कीलेस एंट्री इस कार के अंदर नहीं है, कोई इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी नहीं है। बाकी ओवरऑल डैशबोर्ड लेआउट देखेंगे कार का, तो डैशबोर्ड लेआउट कुछ इस टाइप का दिया गया है, कम्प्लीटली ब्लैक कलर के साथ ही दिया गया है। ये एयरबैग की वार्निंग वगैरह शो करता है एंड यहाँ पे कुछ है नहीं फंक्शनिंग में। एंड यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है जिसके अंदर स्पेस मिल जाता है डिसेंट इनफ। एयर एसी वेंट एंड ये कप होल्डर वगैरह आपको यहीं पर ही मिल जाते हैं, एंड ट्विन कप होल्डर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट मिल जाती है, काफ़ी अच्छी बात है। एंड इसको आप यहाँ पर स्पेस बना सकते हैं अपने हिसाब से, चाबी वगैरह इसके ऊपर रख सकते हैं। एक ट्रे दी गई है जो कि कूल्ड में नहीं है, ओपन एक्सपोज ही है कम्प्लीटली, क्योंकि हैंड ब्रेक लीवर भी आ गया, सॉफ्ट टचिंग मटेरियल ही है यहाँ पर भी। बाकी अगर सीट्स के बारे में बात करूँ तो फैब्रिक अपॉस्ट्रोफी के साथ देखने को मिल जाती है एंड काइंड ऑफ लेदरेट फिनिशिंग मिक्स फिनिशिंग में ही देखने को मिलती है। सीटिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अभी गाइस मेनली बात कर लेता हूँ कार के इंफोटेनमेंट स्क्रीन के बारे में, तो 8 इंचज की स्मार्ट इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है जो कंप्लीट टच स्क्रीन के साथ ही रहने वाली है। एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले इस कार के अंदर हमें वायरलेस में देखने को मिलते हैं, यानी कि इस सेकंड बेस मॉडल से ही आपको जो है ये सब मिलना चालू हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड 6 स्पीकर मिल जाते हैं एंड वॉइस कमांड भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको एसी वेंट मिल जाते हैं जो कि हिडन काइंड ऑफ है, एंड एसी आपको मैनुअल में ही देखने को मिलेगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पर नहीं है, सिंपल वाला एसी दिया गया है, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं एयर फ्लो को। बाकी उसी के नीचे आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है, यूएसबी केबल कनेक्टिविटी एंड टाइप सी केबल कनेक्टिविटी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल के बटन मिल जाते हैं यहाँ पर, एंड पार्क असिस्ट का बटन मिल जाता है, ये आपका यूज पता होगा। एंड कार के अंदर में 6 स्पीड गियर बॉक्स मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। बाकी ऊपर की साइड आपको IRVM मिलता है, मैनुअल में मिलता है ये, एंड सनग्लास होल्डर मिल जाता है जैसे कि सभी गाड़ियों में मिलता है। एंड ऊपर की साइड आपको हैलोजन में हेड लैंप मिल जाते हैं, ये नाइट लैंप। पैसेंजर साइड फ्रंट सीट पर आपको मिरर मिल जाता है, एंड इधर की साइड आपको कुछ भी नहीं मिलता। तो बाकी कुछ इस टाइप का इसका डैशबोर्ड ओवरऑल लेआउट रहने वाला है। फ्रंट लुक इस कार के काफ़ी अच्छे हैं, प्रीमियम लगती है वैसे तो कार में। तो यहाँ पर आपको ब्लैक एंड व्हाइट कलर की फिनिशिंग के साथ लेआउट मिलता है कम्प्लीटली। बॉटल होल्डर एंड अम्ब्रेला होल्डर मिल जाता है, पावर विंडो मिल जाती है, सिल्वर सटम फिनिशिंग के साथ ये डोर हैंडल। एंड सीट फोल्डिंग के फंक्शन आपको टंबल फंक्शन तो नहीं मिलता लेकिन नॉर्मल वाला मिल जाता है, 60-40 स्प्लिट के साथ ऑप्शन मिल जाते हैं, एंड यहाँ से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। बाकी बैठ के कार का कंफर्ट चेक करते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, ये काइंड ऑफ आपको इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। एंड अच्छा खासा लेग स्पेस मिल जाता है, अंडर थाई सपोर्ट भी डिसेंट इनफ है, नी रूम वगैरह भी अच्छा खासा मिल जाता है। एंड ये लेदरेड एंड फैब्रिक का अपॉस्ट्रोफी का मिक्स देखने को मिलता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाती है, आर्मरेस्ट भी मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुकून वाला फीचर है। बाकी सीट्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है सेकंड बेस मॉडल होने के बावजूद भी। एंड यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है, फोन वगैरह रख सकते हैं, टाइप सी के 2 सॉकेट मिल जाते हैं। बाकी एसी कंट्रोल करने का डायल मिल जाता है, एसी वेंट आपको ऊपर की साइड मिलते हैं, ये राउंडी शेप में आपको मिल जाते हैं एसी वेंट दोनों ही साइड। एंड यहाँ पर आपको लैंप मिल जाता है एक हैलोजन के, यहाँ से आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। एंड दोनों ही साइड आपको हैंडल्स मिल जाते हैं प्रॉपर। ऊपर की साइड आपको अच्छा खासा हेडरूम मिल जाता है, हेडरूम में तो कोई कमी है ही नहीं। एंड पीछे की साइड के बारे में बात करूँ तो पीछे की साइड आपको टाइप सी में केबल मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको टाइप सी ज़्यादातर मिलती हैं, कप होल्डर्स वगैरह मिल जाते हैं, सीट्स को आप अपने हिसाब से फोल्ड कर सकते हैं, ये हुक मिल जाता है काइंड ऑफ, इसका यूज़ मुझे भी नहीं पता बाय द वे। बाकी यहाँ पर ज़्यादातर टाइप सी का यूज़ किया गया है, दोनों ही साइड आपको टाइप सी के केबल मिल जाते हैं। पीछे की साइड भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाती है, बच्चे ही बैठे हैं पीछे की साइड तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि पीछे की साइड बड़ों के लिए तो कोई इतना स्पेस नहीं है, मतलब लेग रूम एंड हेड रूम वगैरह भी कम ही मिलता है। एंड सबसे बढ़िया बात, पीछे वालों के लिए भी आपको एसी वेंट मिल जाते हैं, प्रॉपर लैंप वगैरह प्रॉपर दिए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है, हेलोजन में लैंप दिया गया है यहाँ पर। बाकी गाइस अगर आप कोई कार देख रहे हैं 12 लाख के बजट में MPV कार, तो ये कार आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है क्योंकि इस सेगमेंट में सबसे बेटर कार मुझे यही लगती है, खास करके ये पर्टिकुलर मॉडल यानी कि किया कारेंस का प्रेस्टीज मॉडल एक वैल्यू फॉर मनी हो सकता है आपके लिए। बाकी गाइस अभी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि किया कारेंस आपको कैसी लगती है। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इस कार से रिलेटेड या किसी भी कार से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी गाइस ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं लाता रहता हूँ, तो मेक श्योर आप सेंस से कनेक्टेड रहिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।